राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन हो रहा है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की दरअसल इस समन्वय बैठक का आगाज होने जा रहा है। बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सर कार्यवाह, दत्तात्रेय घोष बोले, संघ के सभी 6 सह सर कार्यवाह और अन्य अखिल भारतीय पदाधिकारी मौजूद हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद हैं। 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री एवं प्रमुख पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। सभी संगठनों की महिला प्रतिनिधियों सहित लगभग 300 कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इसमें 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और जब एक बार ये आयोजित होती है तो कई विषयों पर इसमें चर्चा होती है। संघ की शाखाओं का कैसे विस्तार होना है, संघ की कार्यशैली में क्या बदलाव होना चाहिए, साथ ही साथ समन्वय किस तरीके से जो संगठन है संघ के उनसे बैठाना है, इसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं देश के उन पर भी विचार होता है संघ की ओर से। इस लिहाज से ये 3 दिवसीय बैठक बेहद अहम है। हर दिन एक सेशन होते हैं कई, और उन अलग अलग सेशन में अलग अलग चर्चा होती है विषयों पर, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन किस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले दिन कौन कौन से विषय रहेंगे जिन पर चर्चा होगी, दूसरे दिन कौन कौन से विषय रहेंगे और तीसरे दिन क्या रहेगा, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक का आगाज संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार ही आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय ये बैठक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक बड़ा संगठन है, जो एक तरीके से कई विषयों पर जब मंथन करता है तो उसका निचोड़ भी निकलता है। पंकज सोनी, एसोसिएट एडिटर, हमारे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपसे समझना चाहेंगे, 3 दिवसीय ये आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक है, पहले, दूसरे, तीसरे दिन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और किन किन विषयों पर चर्चा? देखिए, संघ की ये जो बैठक होती है एक साल में एक बार होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है, क्योंकि संघ के जो और संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, या मजदूर संघ हो, या कोई अन्य संगठन हो, उसको लेकर जो कोऑर्डिनेशन की बात है वो इस बैठक में की जाती है। पहले जो समन्वय गया उसमें किस तरह के काम इन संगठनों द्वारा किए गए और अब आगे किस तरह का रोड मैप उन संगठनों का रहने वाला है, इसको लेकर सर संचालक और सरकारवा की मौजूदगी में सभी संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के सामने ये चर्चा की जाती है और सभी जो संगठन है इनके प्रमुख अध्यक्ष और संगठन महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहते हैं। जी, खास बात है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव अभी बीते हैं जी, उसमें जो भाजपा का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन के कारणों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के जो आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भी जो चर्चा है और बीजेपी की क्या योजना है वो संघ के पदाधिकारियों के सामने रखी जाएगी। सबसे अहम जो मुद्दे अभी देश के सामने चल रहे हैं उसको, जो सामाजिक तौर पर और जो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने से संबंधित मुद्दे हैं उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उसमें अहम मुद्दा पश्चिम बंगाल का है, मणिपुर का है और उसके अलावा कई अन्य स्टेटों में जो धर्मांतरण से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर अलग अलग तरीके से इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कुल मिला के इस बैठक में 300 के करीब संघ के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। 3 दिवसीय इस बैठक की शुरुआत अभी सवेरे 10 बजे से केरल में हो चुकी है और आने वाले दिनों में कुछ और नई बातें इस बैठक में निकल के सामने आएगी। जी पंकज जी, अगर इस तरीके से देखा जाए कि प्रदेश संगठन महामंत्री का पद भी खाली है, क्या उस नाम पर भी इसी बैठक में इसी दौरान चर्चा हो सकती है? देखिए, जो बीजेपी है वो अपना जो कामकाज की समीक्षा है जो अब तक की और जो आगे किस तरीके से बीजेपी काम करने वाली है उसको लेकर वो प्रेजेंटेशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जो उनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष की तरफ से संघ पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा। उसी समीक्षा के दौरान ये मांग की जाएगी कि जो 10 से 11 संगठन महामंत्रियों की कमी बीजेपी में है जो संघ के द्वारा भेजे जाते हैं उस तरह की मांग बीजेपी के द्वारा की जाएगी। कई प्रदेशों में संगठन महामंत्री का पद लगातार खाली चल रहा है, उसमें राजस्थान भी शामिल है जी। तो ये निश्चित रूप से मानिए कि जो भाजपा है उसकी तरफ से संघ को
ये आग्रह किया जाएगा कि उनके कुछ संगठन मंत्रियों को बीजेपी में और भेजा जाए। और ये माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, करीबन 10 के करीब जो संगठन महामंत्री है वो संघ की तरफ से बीजेपी में नए भेजे जा सकते हैं और उसकी सूची लगभग फाइनल हो चुकी है और समन्वय बैठक के बाद उनके नामों का ऐलान भी कर दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, ज्वलंत मुद्दे होंगे, इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन शताब्दी वर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या उसकी भी रूपरेखा इसी दौरान तय होगी? जी बिल्कुल, जो संघ का शताब्दी वर्ष है जो आने वाले दशक से शुरू होगा, उसको मनाने के लिए जो संघ की नागपुर में प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी जनवरी में, उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हो गई थी और उसमें कौन सा संगठन किस क्षेत्र में इस जो जो वर्षगांठ है 100 साल जो संघ के पूरे हो गए उसको किस तरीके से मनाएगा, उसको लेकर पूरा रोड मैप भी दे दिया गया था। अब उस रोड मैप पे कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, उसकी चर्चा इस समन्वय बैठक में की जाएगी और उसमें उस बैठक को लेकर कुछ जो विशेष पदाधिकारी हैं संघ के उनको विशेष जिम्मेदारी भी दी गई है कि किस तरह के कार्यक्रम आने वाले दिनों में संघ के द्वारा किए जाएंगे। जी पंकज जी, आप बता रहे हैं कि 3 दिवसीय है, सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। आज की अगर सत्रों की बात करें तो कुछ पता चल पा रहा है कि अंदर किन किन विषयों पर सत्र आज होने हैं? देखिए, जो संघ की बैठकों का जो एक स्वरूप होता है उसमें जो पहली बैठक होती है वो प्रस्तावना बैठक होती है, उसमें ये बताया जाता है कि बैठक में किन किन मुद्दों पर कब कब और किस किस तरीके से चर्चा की जाएगी और कौन कौन से अधिकारी किस बैठक के बारे किस संगठन को लेकर जो समीक्षा है उसकी जानकारी लेंगे। तो जो ये औपचारिक रूप से जो उद्घाटन इसको सत्र कहा जा सकता है बैठक का, इस सत्र के बाद लास्ट में जो अंतिम दिन होता है 3 दिन उसे सब संचालक के भाषण और उनके उद्बोधन के बाद में उस बैठक का समापन होता है। तो एक सेट प्रारूप होता है समन्वय बैठक का, इसमें व्यक्ति से भी जो संघ के पदाधिकारी हैं वो अलग अलग संगठनों के लोगों से अलग अलग बंद कमरे में भी चर्चा करेंगे और खुले रूप से भी चर्चा की जाएगी। तो अभी कुछ देर बाद या ये मानिए शाम तक निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगी, किस तरीके मामलों में चर्चा की जा रही है और किस तरह का रोड मैप संघ अपने संगठन को। ठीक है, ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी।